जी, मैं इस वक्त डबलिन सिटी सेंटर में मौजूद हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुल्तान से मेरे लिए स्पेशल सोनल भेजा है, तो वो कलेक्ट करने आया हूँ। और साथ में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम था, तो आज आपको दिखाते हैं डबलिन सिटी सेंटर, चलें। This is called the Happenings Bridge over the Liffey River. Ireland का ये पहला ब्रिज है और साथ ये Liffey River। आइए आपको इस ब्रिज के ऊपर लेके चलते हैं। आयरलैंड का ये फर्स्ट आयरन ब्रिज है और तकरीबन 30,000 लोग रोज़ाना लिफी रिवर को क्रॉस करने के लिए इस ब्रिज से गुजरते हैं। बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, जो लोग आयरलैंड में आते हैं उनके लिए। एक ही ट्रैक पर डबल डेकर बसेस भी चल रही हैं, साइकिल्स भी चल रही हैं। इंतहाई डिसिप्लिन के साथ वो पीछे कार भी आ रही है और वो साथ में आपको ये ट्रैम भी आती हुई नज़र आ रही है। इस सिटी सेंटर के अंदर से होके ये गुजरती है। इसको देख के मुझे ये लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस याद आ गई है। और ये आपको दिखाता हूँ आयरलैंड का मीनारे पाकिस्तान, ये देखें जी। दूर से मीनारे पाकिस्तान का नज़ारा कर लें जनाब। ये सामने जो आपको लड़के और लड़कियां नजर आ रही हैं, ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये इनके नंस और इनके पादरी हैं, प्रीस्ट। ये बाइबल की कुछ आयात को गागा कर ये पढ़ रहे हैं। यहाँ की अक्सरियत जो है वो मजहब बेजार है, तो नंस और प्रीस्ट की ये कोशिश है कि जनाब इन लोगों को मजहब की तरफ लाया जाए, तो ये उसकी तबलीग कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये भाई साहब अपने टैलेंट को शो ऑफ करके कुछ हेल्प कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बजा रहे हैं। Beyond those who take no time.
ये इनका लोकल क्लब है, आई थिंक कोई पुराने ज़माने की डांस मूव्स को और कुछ एक्सरसाइज मूव्स को इन्होंने इकट्ठा करके कुछ परफॉर्म करने की ये कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप गौर करें कि ये सिटी सेंटर में आपको किसी भी किस्म की कोई साइकिल, कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, कोई रक्षा ये नज़र नहीं आएगा। ये इन्होंने पैदल चलने वालों के लिए ये डिज़ाइन किया है और लोग आपको पैदल चलते हुए दिखाई देंगे। कोई किसी को उंगली नहीं कर रहा, आपने क्या पहना हुआ है, आप किधर को जा रहे हैं, आप कैसे लग रहे हैं, हर एक की उंगली अपने आप तक महदूद है। मोस्टली लोग आपको यहाँ पर जियो और जीने दो की पॉलिसी पर ही अमल करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, एक चीज़ आप गौर करें, यहाँ पे आपको कोई रेड़ी वाला, कोई साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, गाड़ी वाला नहीं नज़र आएगा। ये शहर इन्होंने पैदल चलने वालों के लिए डिज़ाइन किया है और ये दुनिया आपको पैदल चलती हुई नज़र आएगी। कोई किसी को उंगली नहीं कर रहा, आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या पहनना हुआ है, क्या करने जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हर एक की उंगली अपने तक महदूद है।